साथ में शाम के वक्त में अपने गार्डन में ऐसे ही टहल रही थी, अपने गार्डन की खूबसूरती देख देख के मैं खुश हो रही थी, तो अचानक मेरे इस स्पैरेगस के प्लांट पे नजर पड़ी। ये स्पैरेगस का प्लांट मेरे पास बहुत सारा है और अलग अलग वैरायटी है। ये एक वैरायटी है, ये एक दूसरी वैरायटी है जो अब इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, और जितनी भी है और जितनी भी वैरायटी है सबको मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये एक एस्पैरेगस की तीसरी वेराइटी है, और ये प्लांट जो आपको दिख रहा है ना, ये बेल की तरह आगे बढ़ता है, जिसके शतावरी भी इसे कहते हैं। तो इस वाले जो प्लांट होता है ना, इसमें थोड़े से कांटे होते हैं, फिलहाल तो कोई कांटा ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन ये जहां भी जैसे ये बेल इसकी चढ़ती चली जाती है और जिधर भी जाए वहां ये जाके पकड़ लेती है। 2004 से इस पौधे की मैं केयर कर रही हूँ, ये रह रहा है। ये सीजन में ऐसे हरा भरा हो जाता है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा है ये, इतना सॉफ्ट सा है। हल्के जब ये बहुत ज्यादा मिच्योर हो जाता है, जवान हो जाता है, तो इसमें थोड़े से कांटे आपको नजर आते हैं इनकी टहनियों पे जो चुभते हैं, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल मासूम सा है, आपको नुकसान नहीं कर रहा है। तो मेरे पास तीन वैरायटी आपको देखिए एस्पैरेगस की। जल्दी जल्दी हम जानते हैं ये कि इसे कैसे लगाना है, किसी मिट्टी में। वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए हर प्लांट्स की तरह, इसे भी चाहिए, और जिसमें कि मैंने जितना भी लगाया हुआ है सब कोकोपीट में, वर्मी कम्पोस्ट है, फंजीसाइड डाल देती हूँ उसमें, नीम खली, और इस तरीके से मैं मील को तैयार करके उसमें इसे लगाया हुआ है। और जब भी मैं प्लांट को और बढ़ाती हूँ, मल्टीप्लाई होता है, तो मैं अलग अलग करके इसे लगा देती हूँ। तो ये मिट्टी हमने तैयार कर ली, पानी इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप दो दिन तीन दिन जैसे पानी सारे प्लांट्स के सूखने के बाद, दो तीन इंच देखने के बाद आप लगाते हैं, उसी तरह से इसमें पानी लगाइए। बहुत ज्यादा धूप में मत रखिए, बहुत ज्यादा छांव में मत रखिए। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो इसके पत्ते पीले होकर के थोड़ी सी इसका घनापन जो है वो कम हो जाएगा और पत्तियां गिर जाएंगी, डॉर्मेंसी में ये प्लांट चला जाएगा। बेसिकली ये प्लांट जो है समर सीजन का है, तो इस वक्त में आपको क्या केयर करना है, अगर इसकी पत्तियां गिर जाए तो आप बिल्कुल ही ना परेशान हो, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि इसकी पत्तियां देखिए अब थोड़ी हल्की हल्की पीली होने लग पड़ी है। तो इस तरीके से जब ये पीली हो जाए तो इसे ऐसी जगह पे ही आप रहने दीजिए जहां पे इसको रोशनी पर्याप्त मिलती रहे, और बाकी सारे प्लांट्स की तरह इसमें भी आप थोड़े थोड़े पानी डालते रहिए, मिट्टी को एकदम ड्राई मत होने दीजिए। तो तीन चीजें जो खास इस प्लांट्स की है वो हमने समझ लिया। अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसे हम लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने बीज नहीं देखा होगा, इस एस्पैरेगस में इस तरह के बीज होते हैं। ये बीज जब ड्राई हो जाते हैं तो ब्राउन कलर के होते हैं, और ब्राउन कलर के होने के बाद वो या तो गिर जाते हैं, आप चाहें तो इस बीज को इकट्ठा कर सकते हैं, और बीज कब बनते हैं उसके पहले इसमें फूल खिलते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके जो फूल हैं वो अपने आप में कितने खूबसूरत होते हैं। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, इतना खूबसूरत आपने फूल देखा होगा। देखिए ऐसे लगता है नजदीक से देखिए, बहुत साइज इसका छोटा होता है पर कमल के फूल की जैसे इसका इसकी शक्ल होती है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से छोटे छोटे फूल खिलते हैं, और भी देखिए मेरे इस प्लांट में बहुत सारे फूल खिलते हैं, और हर साल हर सीजन में इसमें फूल खिलते हैं। ये देखिए हर डाली पे आप देखिए कितने खूबसूरत फूल है। अब ये फूल जब खिल करके गिर जाएंगे, फिर यहीं पे इस तरह के जो है बीज तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं कितनी पतली डाली है, ये फूल गिरा यहां से और वो बीज में बदल गया है। तो इस तरह से बीज तैयार होता है और बीज से इस पौधे को लगाया जा सकता है। पर इसमें इस तरह के राइजोम होते हैं इसके, और इस तरीके से पूरी इसकी एक थड़ा सा बन जाता है, पूरा ये प्लांट होता है, और इसे आप अलग अलग, जैसे कि अगर मैं इस प्लांट को चाहूं तो यहां से ये देखिए एक अलग हिस्सा है इसका, ये देख रहे हैं ये अलग हिस्सा है, यहां से राइजोम के साथ निकाल के लगा सकती हूँ। इसी तरह से बहुत मल्टीपल इसमें हिस्सा है जिसे कि हम अलग अलग करके इसे लगा सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। जी हाँ, सच सुन रहे हैं आप, इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी इसकी कटिंग लीजिए और मिट्टी में आप इसे इंसर्ट करते जाइए इसके नोड एरिया के साथ में, और ये प्लांट बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप कहीं से भी इस तरह की छोटी छोटी कटिंग आप लीजिए, टिप की जो कटिंग होती है, टिप की ढाई इंच तीन इंच की कटिंग लेके और इसमें लगा दीजिए, ये बहुत अच्छे से लग जाएगा।
तो सारी चीजें हमें पता लग गई। अब इतने खूबसूरत से पौधे को अगर आप देखेंगे तो छोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एस्पैरेगस आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। एस्पैरेगस की सारी वैरायटी जो है फर्न की, वो सब मुझे अच्छी लगती है और मैक्सिमम मेरे पास प्लांट है, लेकिन इसका जो रंग होता है ना, उसके कहने ही क्या। तो इस तरह से अब आपको जानकारी मिल गई है, तो आप एस्पैरेगस का प्लांट लाइए, अपने गार्डन का उसे हिस्सा बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख जाइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और एक चीज चलते चलते मैं जरूर ये कहना चाहूंगी आप सबसे कि बहुत सारे हमारे साथी डिमांड करते हैं कि कुछ नए नए जो कॉमन से प्लांट्स हैं, बस उसी की जानकारी हमारे जितने भी गार्डनर्स हैं वो देते रहते हैं, कुछ अलग से प्लांट की आप जानकारी दें हमें। लेकिन मैंने देखा है कि अलग से अगर नए पौधों की जानकारी आप देते हैं तो बहुत ज्यादा उसे व्यू नहीं मिलता है। यहाँ व्यू की बात से अलग जो सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे लगता है कि व्यू इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन सारे नए तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर इंटरेस्ट होगा तो जरूर देखेंगे ना, तो नए पौधे का नाम सुन के ही लोग जो है स्किप कर देते हैं उस वीडियो को। तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना कीजिएगा, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। और देखिए अभी फिलहाल जो फूल खिल रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ, मैं तो बस आपको दिखाती ही रहूंगी अपने गार्डन के खिले हुए फूलों को, इसके खूबसूरती को, मैं तो बाज आने वाली नहीं हूँ। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।